मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा? इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। सकेट फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत तेरे हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं, क्योंकि सकेट है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। रह कर खड़े किनारे पर प्यासा रहा ये मन, बहती हुई इन राहों में बहकता रहा ये मन, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर से फाड़ने वाले भेड़िये होते हैं। हे प्रभु, उन्हें हम कैसे जाने? उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हे प्रभु, मैं अभी भी नहीं समझ सका। भला मनुष्य अपने भले मन के भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने बुरे मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह में आता है। सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत तेरे ने मुझसे कहा, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। देखो एक कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। परंतु हे प्रभु, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया, जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया,
और मेघ बरसा और भाड़े आई और आंधिया चली और उस पर टकरे लगी, परंतु वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्ध मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़े आई और आंधियां चली और उस पर टकरे लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। उसके उपदेश अद्भुत है और वह अधिकार से सिखा रहा है। हाँ, वो अपने व्यवस्थापक गुरुओं की तरह नहीं है। जब वो लोगों को सारी बातें सुना चुका तो कफरनहूम में आया। गुनहगार यीशु तुझे बुला रहा है, गुमराह क्यों तू भटके, यीशु तुझे बुला रहा है। मेरा दास बहुत बीमार है और केवल प्रभु उसे चंगा कर सकते हैं। आप पता लगाओ कि वो कहाँ है। स्वामी, स्वामी, यीशु नासरी नगर में प्रवेश कर चुका है। मैंने उसे देखा है, उसके पास चंगा करने की परमेश्वर की सामर्थ है। आप लोग मेरे बदले उनके पास जाओ और उसे जाकर कहो कि आकर मेरे दास को चंगा कर दे। हाँ हाँ, अवश्य। हे रब्बी, यहाँ एक दयालु सूबेदार है और जिसका एक दास बीमार है, वो मरने वाला है। सिर्फ तुम ही उसे आकर चंगा कर सकते हो। हाँ, वो इस योग्य है कि तुम उसके लिए ये करो। वो हमारी जाति से प्रेम करने वाला और उसी ने हमारे लिए आराधनालय बनवाया है। प्रभु, 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 हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवे का मारा बहुत दुखी पड़ा है। मैं आकर उसे चंगा करता हूं। ना प्रभु, ना, आप मेरे घर में आने का कष्ट ना करें क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे छत तले आए, पर आप केवल अपने मुख से बोल दो, वो चंगा हो जाएगा। मुझे इसका पूरा विश्वास है प्रभु, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में है। अगर एक को बोलता हूं कि आओ तो वो आता है, दूसरे को बोलता हूं जाओ तो वो जाता है। प्रभु, अगर मैं अपने दास को बोलता हूं कि ये करो तो वो वही करता है। प्रभु, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया, और मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत तेरे पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इजाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य की संतान बाहर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे। वहां रोना और दांतों का पिसना होगा। जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। विश्वास जो भी मसीहा पिलाएगा, उद्धार वो ही पाएगा, उद्धार वो ही पाएगा, तन और मन के दुखों से वो, तन और मन के दुखों से वो छुटकारा पल में पाएगा, छुटकारा पल में पाएगा। विश्वास जो भी मसीहा पिलाएगा। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया।
थोड़े दिनों के बाद वो नाइन नाम की एक नगर को गया और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। ये तो कम उम्र में ही विधवा हो गई थी। उसने अपने पुत्र का करने में और जीवन यापन के लिए बहुत संघर्ष किया, कई कष्ट उठाए, वो उसका ही मात्र सहारा था और ये भी मर गया। वो परमेश्वर का भय रखने वाला था, बिल्कुल अपनी विधवा माँ की तरह। हाँ, सबको प्रिय था। ऐसा लगता है कि यहाँ पूरा शहर आ गया हो। देखो इसी वक्त आ रहे हैं, वो हमारे नगर में आ रहे हैं। मैंने सुना उसमें चंगा करने का सामर्थ्य। हाँ हाँ हाँ, यदि वो कुछ पहले आया होता तो। हाँ। क्या वो मृतक को जिंदा कर सकता है? क्या वो मृतक को जिंदा कर सकता है? केवल परमेश्वर ही ऐसा कर सकता है। जहां तक मुझे धर्मशास्त्र का ज्ञान है, किसी भी भविष्य वक्ता ने ऐसा आश्चर्य कर्म आज तक नहीं किया। तू ही ज्योति, तू ही जीवन, तू ही आदि, तू ही अनंत, तू ही ज्योति, तू ही जीवन, तू ही मृत्यु परजयवन। मत रो। तू ही मृत्यु परजयवन, तू ही आदि, तू ही अनंत। हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। दुखियों का उजड़ा है जब खिलता हुआ सा हंसता चमन, दुखियों का उजड़ा है जब खिलता हुआ सा हंसता चमन, गुलशन को फिर से मैं काया करके अपना रहमो करम, तू ही आदि, तू ही अनंत, ज्योति, तू ही जीवन। अरे तो ज़िंदा हो गया, चमत्कार तो हमारे बीच में नहीं हुआ है। परमेश्वर की जय हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। अरे आज तक तो इतने लोगों को, बीमारों को चंगा किया, उसको जीवन दे दिया, जला दिया, जला दिया, मुर्दे को जला दिया। चमत्कार है प्रभु, चमत्कार है। परमेश्वर की जय। आज तक व्यवस्था के अनुसार चलता था, पर अब से मैं तेरे पीछे हो जय हो। तो वाकई चमत्कार है, तो वही क्रिस्ट यीशु है जो आने वाला था। क्या ये किसी तरह का जादू है? हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे बीच में ये बड़ा नबी हुआ है। परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। परमेश्वर तेरी जय। परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु तेरी। और उसके विषय में यह बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। हाँ रब्बी, उसने बीमारों को भी चंगा किया है। भूत और दुष्ट आत्माएं निकल आती हैं।
उसके उपदेश अद्भुत हैं, धर्म गुरुओं के समान नहीं। यहाँ तक कि उसने मुर्दों को भी जिंदा किया है। हमने अपनी आंखों से देखा है, उसने विधवा के इकलौते पुत्र तक को जिंदा कर दिया। उसके पास जाओ और उससे पूछो कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की बात जो है। जाओ। जाओ। यीशु ने बहुतों को बीमारियों और पीड़ाओं और दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया और बहुत से अंधों को आंखें दी। रब्बी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें पूछने को भेजा है कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और दूसरे की प्रतीक्षा करें। जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? तो फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो भड़कीला वस्त्र पहनते हैं और सुख विलास से रहते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्या देखने गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को? हां, मैं तुमसे कहता हूं वरन भविष्यवक्ता से भी बड़े को। यह वही है जिसके बारे में लिखा है, मैं तेरे दूत को आगे आगे भेजता हूं जो तेरे आगे मार्ग सीधा करेगा। मैं तुमसे कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई भी नहीं, पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे भी बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में जोर होता रहा और बलवान उसे छीन लेते हैं। यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्थापक भविष्यवाणी करते रहे, और चाहो तो मानो एलिया जो आने वाला था वह यही है। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। विश्वास जो भी मसीह पे लाएगा, विश्वास जो भी मसीह पे लाएगा, उद्धार वो ही पाएगा, उद्धार वो ही पाएगा, तन और मन के दुखों से वो, तन और मन के दुखों से वो छुटकारा पल में पाएगा, छुटकारा पल में पाएगा। विश्वास जो मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से, हां एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम न नाचे, हमने विलाप किया
और तुमने छाती नहीं पीटी? क्योंकि यूहन्ना न खाता आया और न पीता, और वे कहते हैं कि उसमें दुष्टात्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं कि देखो पेटू और पियकड़ मनुष्य महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र है। पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहरता है। सब साधारण लोगों ने, यहां तक कि चुंगी लेने वालों ने भी यीशु की बातें सुनकर परमेश्वर के मार्ग को सच्चा मान लिया, क्योंकि उन्होंने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया था, पर फरीसियों और व्यवस्थापकों ने यूहन्ना से बपतिस्मा ना लेकर परमेश्वर की इच्छा को अपने विषय में टाल दिया। यीशु कफरनहूम में लौट आए और लोग उनके पीछे हो लिए। ठहरो, यीशु का पीछा मत करो, वो झूठा भविष्यवक्ता है। तुम ऐसा कहते हो? हम तो उसमें परमेश्वर का सामर्थ्य देखते हैं। उसके उपदेश सच्चे और सरल हैं, तुम्हारी तरह नहीं। उसके पीछे चलने से तुम लोग दुख उठाओगे। हम तुम्हें पहले ही सतर्क कर रहे हैं, पछताओगे। बाद में हमें दोष न देना। आदि तू ही अंत, तू ही आदि तू ही अनंत, तू ही ज्योति तू ही जीवन, तू ही ज्योति तू ही जीवन, तू ही तू परजीवन, तू ही नित्य परजीवन, तू ही आदि तू ही अनंत, तू ही ज्योति तू ही जीवन। हाय खोराजिन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो ताट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब से मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। और है कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? नहीं, तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते तो आज तक बना रहता। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। तू ही आदि तू ही अनंत, तू ही ज्योति तू ही जीवन, तू ही आदि तू ही अनंत, तू ही ज्योति। है पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हे सब परिश्रम करने वाले,
और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और बोझ हल्का है। रब्बी, यदि तू चाहे तो आज मैं तुझे भोजन के लिए अपने घर में आमंत्रित करना चाहता हूं। भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि ये जो उसे छू रही है वो कौन और कैसे स्त्री है, क्योंकि ये तो पापन स्त्री है। हे शिमोन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। हे गुरु, कह। किसी महाजन के दो देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था, जबकि उनके पास चुकाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया, तो उनमें से कौन उसको अधिक प्रेम रखेगा? मेरी समझ में वो जिसका उसने अधिक ऋण क्षमा किया। तूने ठीक विचार किया है। क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से धोए और अपने बालों से पोछा। तूने मुझे चुम्मा न दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांव को चुमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। तेरे पाप क्षमा हुए। ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। कुशल से चली जा, कुशल से चली जा। इसके बाद वो नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ
और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा और वे 12 उसके साथ थे और कितनी स्त्रियां भी जो दुष्टात्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थीं। और वे ये हैं, मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी जिसमें से 7 दुष्टात्माएं निकाली थीं, और हेरोदेश के भंडारी खोजा की पत्नी योअन्ना और सुसन्ना और बहुत सी और स्त्रियां। ये तो अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। यीशु नासरी अपने चेलों के साथ लौट चुका है। कहाँ है वो? हमेशा की तरह शिमोन के घर। चलो ये खबर सब तक पहुंचा देते हैं। चलो। ठहरो। क्या तुम हमारे भोजन करने तक नहीं रुक सकते? हम अभी लौटे हैं और हम सब भूखे हैं। बाद में आना, चलो बाद में आना। शिमोन, चलो पीछे जाओ। पतरस, पीछे जाओ, बाद में आना। पतरस, चलो। सुनो नथानियल, पतरस से कहो कि लोगों को अंदर आने दे। जी अच्छा। पतरस, अरे रुको। पतरस, रब्बी ने कहा है कि इन्हें भी अंदर आने दो। क्या? हाँ। पतरस, नथानियल। ठीक है, आ जाओ। चलो। पर खबरदार, अगर तुमने मेरा घर खराब किया तो। चलो। नथानियल, सुनो। अरे सुनो तो पतरस। माता, वो क्या बात है? यीशु लौट आया है। हाँ? तू मिला नहीं उससे? नहीं, मैं उसे देख नहीं सका क्योंकि वहाँ काफी भीड़ थी और पतरस लोगों को अंदर आने की अनुमति नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि वे तुरंत ही पहुंचे थे और भूखे थे, लेकिन यीशु ने भोजन की चिंता नहीं की और पतरस से कहा कि लोगों को अंदर आने दे। क्या? क्या? उसका चित ठिकाने नहीं है। प्रभु, फरीजी और व्यवस्थापक यरूशलेम से आए हैं। उसमें से बाहर निकला। ये पापी मन, ये मेला प्रभु की कृपा अपार, शुभ करती प्रभु की कृपा अपार, नहीं रोग ऐसा जहां में कोई, नहीं रोग ऐसा। तो भाइयों, मैं देख सकता हूँ, मैं चंगा हो गया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, ना दे सकता। मैं चंगा हो गया प्रभु, चंगा ये पाप, मैं चंगा हो गया। प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी स्तुति हो। वो चंगा हो गया। हाँ, वो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था और अंधा भी था, गूंगा भी था। हाँ, इसमें परमेश्वर की सामर्थ है। कहीं वो दाऊद का पुत्र तो नहीं? हाँ, नहीं हो सकता है। वो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है। नहीं, वो दुष्ट आत्माओं के सरदार बेलजबूब की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है। चुप, ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यीशु ने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, शैतान क्यों कर शैतान को निकाल सकता है? जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बनाना रहेगा। और यदि कोई शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज क्यों कर बना रहेगा?
और यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वह क्यों कर बना रह सकता है? उसका तो अंत ही हो जाता है। क्योंकि तुम मेरे विषय में तो कहते हो कि यह शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता है। भला मैं यदि शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो तुम्हारी संतान किसकी सहायता से निकालता है? इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज तुम्हारे पास आ पहुंचा है। जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसके घर की संपत्ति बची रहती है। अथवा कौन मनुष्य किसी बलवान के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है जब तक कि पहले वह उसे बांध न ले? इसके बाद ही उसका घर लूट सकेगा। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा। परंतु मैं तुमसे सच कहता हूं कि मनुष्यों के संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करेगा वह कभी भी क्षमा न किया जाएगा, परंतु अनंत पाप का अपराधी ठहरेगा। हां, परंतु अनंत पाप का अपराधी ठहराया जाएगा। तुमने ईश्वर की निंदा की है। हां, तुम अनंत पाप के भागी हो। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन हर एक की बात का लेखा लिया जाएगा। क्योंकि तू अपने बातों के कारण निर्दोष और अपने बातों के कारण ही दोषी ठहराया जाएगा। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है तो मैं अपने उसी घर में जहां से मैं निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वो आकर अपने से और सात बुरी आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठकर बास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पिछले से भी बुरी हो जाती है। मुझे क्षमा करना प्रभु, क्योंकि मैं अब समझाऊं जो कुछ तू कह रहा है वो सच है, क्योंकि ये सब कुछ मेरे साथ इसलिए हुआ है। हे प्रभु, धन्य है वो माता जिसने तुझे जन्म दिया और पाला पोसा। ये क्या कहना चाह रही है? परंतु धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं। उनसे कहो कि जो कुछ भी कह रहे हैं उसे सिद्ध करने के लिए क्या हमें और भी आश्चर्य कर्म दिखा सकते हैं? हे गुरु, हम आपसे कुछ आश्चर्य कर्म के चिन्ह देखना चाहते हैं। इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु यूनुस भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़कर
कोई और चिन्ह उन्हें न दिया जाएगा। जैसा यूनुस निनवे के लोगों के लिए चिन्ह ठहरा आया, वैसा ही मनुष्य का पुत्र भी इस युग के लोगों के लिए ठहरेगा। यूनुस 3 रात और 3 दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसा ही मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के भीतर रहेगा। निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूनुस का प्रचार सुनकर मन फिराया। और देखो, यह वह है जो यूनुस से भी बड़ा है। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी की छोर से आई। और देखो, यहां वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। तू ही अनंत, तू ही ज्योति, तू ही जीवन, तू ही नित्य पर जयवंत, तू ही नित्य पर जयवंत, तू ही आदि, तू ही अनंत। प्रभु देख, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और वो तुझसे बातें करना चाहते हैं। कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? मेरी माता और मेरे भाई ये है, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। ईशु, कैसे हो पुत्र? सुसन्ना, चलो हम भोजन तैयार कर ले। हाँ। ताकि वे सब खा ले। पत्रस, लोगों से कहो कि वे पहले भोजन कर ले, भोजन के पश्चात यीशु उनसे मिल लेंगे। जी, अच्छी बात है। आओ यीशु, हम अंदर चले। सुनो भाइयों, अभी आप लोग बाहर जाओ, भोजन के पश्चात मिलना। अभी आप लोग बाहर जाइए, चलिए बाहर जाइए, भोजन के पश्चात आइएगा। क्या कीमत है इसकी? यदि पसंद है तो कीमत क्या पूछते? ये एक बहुमूल्य मोती है। गुनहगार यीशु तुझे बुला रहा है, आ गुनहगार यीशु तुझे बुला रहा है, गुमराह क्यों तू भटके, यीशु तुझे बुला रहा है, आ गुनहगार यीशु तुझे बुला रहा। ये कौन है? भीड़ की भीड़ उसके पीछे जा रही है। कुछ लोग कहते हैं ये परमेश्वर का नबी है। सुनो, लगता है वो झील की ओर जा रहा है। मैं भी जाता हूँ। तो क्या मालिक, मैं भी चल सकता हूँ?
हाँ चलो आओ। वो पेड़ पौधों को बड़े ध्यान से देख रहा है। नहीं, वो चिड़ियों को घोंसले बनाते देख रहा है। वो सृष्टि से प्रेम करता है, देखो कितनी करुणा से देख रहा है। और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वो नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। उसके ऐसा कहने का क्या अर्थ है? सचमुच उसे ईश्वर की ओर से ज्ञान है। क्या तुम इतनी साधारण सी बात नहीं समझ सकते? मेरे मन में उसके प्रति अब कोई शंका नहीं। मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि क्या विश्वास करते हो तुम? वो मसीहा है। तो फिर तुम पागल हो। पर मैं तुम्हारी तरह इस मनुष्य से धोखा नहीं खा सकता। कुछ छिपा नहीं जो प्रकट ना हो, और न कुछ गुप्त है जो जाना ना जाए और प्रकट न हो। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उसे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। प्रभु, हमें स्वर्ग के राज्य के विषय में बता। स्वर्ग का राज उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जन लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बाले लगी तो जंगली दाने भी दिखाई दिए। इस पर ग्रस के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। दासों ने उनसे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले? उसने कहा, ऐसा नहीं ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ में बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उसके गेहूं बांध लो और गेहूं को मेरे खेत में इकट्ठा करो। प्रभु, हमें और बता। हाँ, हमें परमेश्वर के राज्य के विषय में बता। परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह न जाने पृथ्वी आप से आप फल लाती है। पहले अंकुर तब डाल और तब बालों में तैयार दाना, परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हसिया लगाता है और कटनी आ पहुंचती है। प्रभु, हमें परमेश्वर के राज्य के बारे में और बता। हम परमेश्वर के राज्य की तुलना किससे दें?
और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करे। प्रभु तू क्यों सरसों के पौधों को देखने को रुका? परमेश्वर का राज्य राई के दाने के समान है कि जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उगकर सब सात पात से बड़ा हो जाता है और उगकर उसकी ऐसी बड़ी डाली निकलती है कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा करते हैं। प्रभु हमें कुछ और बता कि हम अच्छी तरह समझ सकें। स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर तीन पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वो सब खमीर हो गया। गुनहगार यीशु तुझे बुला रहा है, गुमराह क्यों तू भटके, यीशु तुझे बुला रहा है। मैंने वो खेत खरीद लिया है। स्वर्ग का राज खेत में छुपे हुए धन के समान है जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और मारे आनंद के आकर अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल ले लिया। हे रब्बी, आपने हमें बहुत अच्छे उपदेश सुनाए, कृपा करके स्वर्ग के राज के विषय में कुछ और बताइए। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उससे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। क्या ये वही व्यक्ति नहीं जिसने अपना सब कुछ मोतियों के व्यापारियों को बेच दिया था? हाँ, ये तो वही व्यक्ति है जिसका उल्लेख अभी अभी प्रभु ने किया था। वही व्यक्ति है। हे प्रभु, हमें स्वर्ग के राज के विषय में और बता। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया और जब भर गया तो उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी को बर्तनों में इकट्ठा किया और निकमी निकमी फेंक दी। हे प्रभु, हमें और स्पष्ट रूप से बता ताकि हम अच्छी तरह से समझ सके। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। क्या तुमने ये सब बातें समझी? इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है उस ग्रस्त के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। और वो उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत दे देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो कि मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा। ए बोझ से थके हुए मेरी पनाह में आओ, मैं शांति हूँ विश्राम हूँ, चाह में मेरी चले आओ, मेरे प्यार के दरिया में धो लो गुनाह सभी तुम, बाहें पसार करके आवाज दे रहा है। गुनहगार आ
के यीशु तुझे बुला रहा है, आ गुनहगार आ, यीशु तुझे बुला रहा। जब यीशु अपने चेलों के साथ अकेले रहता था तब एकांत में वो अपने चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। प्रभु तू क्यों दृष्टांतों में बातें करता है? तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते हैं और नहीं समझते, और उनके विषय में यशया की यह भविष्यवाणी पूरी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंड ली हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती है और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुने। हे रब्बी, हमें बीज बोने वाले दृष्टांत का अर्थ बता। बोने वाले का दृष्टांत सुनो, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया था यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता है। जो अच्छी भूमि पर बोया गया वह यह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। प्रभु हमें खेत के जंगली बीजों के दृष्टांत का अर्थ बता। अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है, खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य के संतान है और जंगली बीज दुष्ट के संतान है। जिस बैरी ने उनको बोया वह शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाला स्वर्ग दूत है। सो जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं वैसे ही जगत के अंत में होगा। अपने स्वर्ग दूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे
और उन्हें आग की कुंड में डालेंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की नाई चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। क्या तुमने ये सब बातें समझी? हाँ रब्बी, हाँ, समझी, हाँ, समझी, समझी प्रभु। बहुत अच्छी। क्या यह सचमुच मसीहा है? मेरे मन में भी कई बार यही प्रश्न उठता है। प्रभु ने प्रार्थना समाप्त कर ली है। हाँ, मुझे भी आश्चर्य है कि वो किस लिए प्रार्थना करता है, क्योंकि वो सारी रात प्रार्थना करता रहा। आओ झील के पार चले। गहरा रे सागर, लहरों की हलचल, गहरा रे सागर, लहरों की हलचल, पग पग पर हिचको ले खाए, रखना भरोसा यीशु पर हो, प्रेमा झीले चल, नैया हौले हौले, प्रेमा झीले चल, नैया हौले हौले, भैया हो भैया हो, तूफानों में जब गिर जाए तेरी जीवन नैया, जब तक यीशु साथ है तेरे, बन के तेरा किवैया, ना घबराना लहरों से तू पग पग पार लगाए, प्रेमा झीले चल, नैया हौले हौले, प्रेमा झीले चल, नैया हौले हौले। पत्रास, स्वामी को उठाओ वरना हम सब डूब जाएंगे। स्वामी, स्वामी, प्रभु, प्रभु उठिए प्रभु, हम सब डूब रहे हैं प्रभु, देखिए, बचाइए प्रभु, हम लोगों को बचाइए, बचाइए, बचाइए। हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? बचाइए प्रभु, ये कितने हम लोग डूब रहे हैं, तुम क्यों डरते हो? हे अल्प विश्वासियों, कितने देर चलिए, हम लोगों को बचाइए प्रभु, वरना हम सब डूब जाएंगे। कितनी तेज हवा चल रही है, अरे अरे पकड़ो, कहां से हवा तेज चलने लगी? शांत रहे, थम जा। अरे ये तो, अरे आश्चर्य, घोर आश्चर्य, तूफान एकदम थम गया, तो शांत हो गया, ये आंधी तो थम गई, प्रभु शांत, ये बहुत बड़ा आश्चर्य, ये आंधी तो थम गई प्रभु, ये आश्चर्य, घोर आश्चर्य, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? रखना भरोसा यीशु पर हो, रे माँ झीले चल, नैया हौले हौले, रे माँ झीले चल, नैया हौले हौले।
ये कौन है जो आंधी और पानी को आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं? हाँ, यह सचमुच वो मसीहा है। फिर वे गिरासेनियों के देश में पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है। एक मनुष्य था जिसमें दुष्ट आत्माएं थीं। वो बहुत दिनों से ना कपड़े पहनता था और ना घर में रहता था। वो कब्रों में रहा करता था। उसे कोई जंजीरों से भी ना बांध सकता था क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। उसे कोई वश में नहीं कर सकता था। वो लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों पर चिल्लाता रहता था और स्वयं को पत्थरों से घायल करता रहता था। जब यीशु नाव पर से उतरे तब तुरंत यह मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्माएं थी यीशु को मिला। हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम है? हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से बाहर निकला। मैं विनती करता हूं, मुझे पीड़ा मत दे, हमें समय से पहले तंग मत कर। क्या तू समय से पहले हमें तंग करने आया है? तेरा नाम क्या है? मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत है। हम विनती करते हैं, हमें इस देश से बाहर मत निकाल, हमें था गड्ढे में मत डाल। हम विनती करते हैं, हमें उन सूरों में भेज दे ताकि हम उनके भीतर रह सके। वे निकलकर सुअरों में बैठ गए और सुअरों का सारा झुंड कड़ाले पर से झपट कर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। जाओ, घेर ले जब जीवन को तुम्हारे साए दुष्ट आत्माओं के, घेर ले जब जीवन को तुम्हारे साए दुष्ट आत्माओं के, शुद्ध करेगा तुमको प्रभु ही सारी अशुद्धताओं से, सारी अशुद्धताओं से। विश्वास जो भी मसीहा पे लाएगा। चरवाहे ये जो हुआ था देखकर भागे और नगर में और गांव में जाकर उसका समाचार कहा, और लोग ये जो हुआ था उसको देखने को निकले और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्ट आत्माएं निकली थीं उसे यीशु के पांव के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। ले जाओ यहां से, सुना तुमने, मुझे तुमसे डर लगता है। तुमने ही हमारे सुअरों के झुंड को डुबो दिया। तुमने डुबाया है। अधिक बहुमूल्य पुरुष या वो सुअर? सुअर ये हमारे किसी काम का नहीं है, बल्कि हमारे लिए मुसीबत है। मुसीबत है ये। मुसीबत है। इसी की वजह से हमने अपने सुअरों का झुंड गवा दिया। जाओ यहाँ से। हमारे इलाके में तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है।
प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि मुझे भी अपने साथ ले चल। तूने ही मेरा उद्धार किया है। हाँ। अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वो जाकर डिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब अचंभा करते थे। आओ हम सब भी चले। आओ भरोसा यीशु पर, रखना भरोसा यीशु पर, रखना भरोसा। क्या बात है यूहन्ना? दुष्ट आत्माएं कैसी भी हों और कितनी भी क्यों ना हो, प्रभु को देखते ही बाहर आ जाती हैं। हाँ, वो दुष्ट आत्माओं पर अपना अधिकार रखता है। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई, और वो झील के किनारे था। लोग उससे आनंद के साथ मिले क्योंकि वे सब उसकी बात जो रहे थे। प्रभु अभी तक आए नहीं? नहीं, पर वो किसी भी समय आ सकता है। क्या बात है, तुम परेशान लग रहे हो? हाँ, आराधना लेके अधिकारी यायर की बेटी बीमार है। हाँ? और मरने पर भी है। घबराओ मत, चाहो उनसे कह दो कि वो उसकी प्रतीक्षा करे। जी। अरे प्रभु आ गए, अरे प्रभु आ गए, मसीह आ गए, प्रभु आ गए, चलो 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 चलते हैं, प्रभु आ गए। सरदार, 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 यीशु लौट आया। क्या, यीशु लौट आए? हे प्रभु बचा, हे प्रभु बचा, हे प्रभु बचा ले, हे प्रभु बचा ले, मेरी छोटी बच्ची मरने पर है, तू उस पर हाथ रख दे कि वो चंगी होकर जीवित हो जाए। हे प्रभु बचा ले, बचा ले प्रभु, बचा ले ना प्रभु। उठो चलो। मेरा वस्त्र किसने छुआ? मुझे किसने छुआ? हे प्रभु, भीड़ तुझे दबा रही है और तुझ पर गिरी जाती है, और तू कहता है कि मुझे किसने छुआ? किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है। मुझे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। मैंने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया है, अपना सारा माल व्यय कर दिया है प्रभु, लेकिन कुछ लाभ न मिला, परंतु और भी रोगी हो गई प्रभु। मैंने जब तेरी चर्चा सुनी तब भीड़ से तेरे पीछे से आई और तेरे वस्त्र को छू लिया, क्योंकि मैंने सोचा यदि तेरे वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और तुरंत मेरा लहू बहना बंद हो गया और मैंने अपनी देह में जान लिया कि मैं इस बीमारी से चंगी हो गई हूँ। हे प्रभु। उठ पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। जीवन के अंधियारे में उजियाला भर देता है, निर्बल को लाचारों को सहारा वो देता है, हर विपदा में हम उसके पीछे बढ़ते जाएं।
शुद्ध करती प्रभु की कृपा अपार, शुद्ध करती प्रभु की कृपा अपार ये पापी मन। योहन्ना रब्बी यहाँ तक जानता है कि उसमें से कब सामर्थ निकली। ये उस स्त्री का विश्वास था कि रब्बी में से सामर्थ निकल पड़ी। हाँ तेरी बेटी तो मर गई, अब तू गुरु को क्यों तंग कर रहा है। इसकी बेटी मर गई? मेरी पुत्री अभी मरी है, तू चलकर उस पर हाथ रख, वो जरूर जीवित हो जाएगी। चल ना प्रभु, ऐसा मेरा विश्वास है, चल प्रभु। मत डर, केवल विश्वास रख, हाँ तो वो बच जाएगी। मत डर, केवल विश्वास रख। मुझे विश्वास है, चलो। हट जाओ, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? क्योंकि लड़की मर चुकी है। रोम, वो मरी नहीं परंतु सो रही है। कैसी बात कर रहे हैं ये? कैसी बात कर रहे हैं? अंदर आइए। वो तो मर चुकी है, बच्ची मर चुकी है। देखते हैं क्या करते हैं। कह रहे हैं कि सो रही है तो फिर भी। पतरस, कुछ बोल रहे हैं? याकूब, क्या कह रहे हैं? योहन्ना, ये जा रहे हैं। लड़की, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। तू ही ज्योति, तू ही जीवन, तू ही मृत्यु परिजयवन, तू ही मृत्यु परिजयवन, तू ही आदि, तू ही अनंत। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। उसे कुछ खाने को दिया जाए। हाँ, हाँ, मेरी बच्ची तो फिर से जीवित हो गई। हे प्रभु, तू परमेश्वर का पुत्र, तेरे द्वारा उद्धार प्राप्त होता है। मैं विश्वास करता हूँ कि तू मसीहा है, जैसा कि वचन में और भविष्यवक्ताओं ने अपनी भविष्यवाणी में कहा। उसे काफी देर हो गई है, सोई लड़की को जगाने का प्रयत्न कर रहा है। उठो यार, तेरा धन्यवाद। जो कुछ भी हुआ उसे किसी से न कहना। हे प्रभु, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु। कुछ नहीं होगा, सब गड़बड़ लग रहा है, पता नहीं क्या अंदर चल रहा है। अरे देखो, यीशु बाहर आए, यीशु बाहर आ गए। देखा, मैंने कहा था ना, वो मर चुकी है। इसने जो कुछ कहा तुम सब इससे गवाओ। फिर ये नहीं कहना कि वो लड़की सो रही है, हम सब जानते हैं कि वो मर चुकी है। अरे ये पापी है।
अरे लड़की तो जिंदा है। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की जय हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की जय हो। लड़की को ये तो अद्भुत आश्चर्य कर्म है, इसने तो मृतक को जिंदा कर दिया। दाऊद के संतान की जय हो, जय हो प्रभु की स्तुति हो। ओढ़ गुनाहों की चादर को जब पापी का मन घबराया, ओढ़ गुनाहों की चादर को जब पापी का मन घबराया, तूने अपनी दया से प्रभु मौत का आकर पफन हटाया, तू ही आदि तू ही अनंत तू ही जो। हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर, हम अंधे हैं और हम देखना चाहते हैं। क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं ऐसा कर सकता हूं? हम विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं, हम पर दया करो। तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, ये देखो मैं देख सकता हूँ, अब मैं देख सकता हूँ। प्रभु, हे प्रभु, मैं देख सकता हूँ प्रभु। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद है प्रभु। प्रभु ने इसको भी चंगा कर दिया, इस बात को कोई जानने न पाए। हे प्रभु, प्रभु की दया इन पर भी हो गई, हम देख सकते हैं। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो, मैं देख सकता हूँ। पर उन्होंने घर से निकलकर उस सारे क्षेत्र में यीशु का नाम फैला दिया। नहीं सकता, इससे बाहर निकल जा। प्रभु, 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 मैं बोल सकता हूँ प्रभु, मैं बोल सकता हूँ प्रभु, मैं बोल सकता हूँ प्रभु, प्रभु, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो प्रभु, आपका धन्यवाद हो प्रभु। ये कई वर्षों से गुंगा था और अब ये बोल रहा है, ये कैसा अचंभा है, इसराइल में तो आज तक ऐसा कभी नहीं देखा। ये तो दुष्ट आत्माओं की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता रहता है, देखो। अरे ये कैसी बातें कर रहा है? नहीं, तुम ऐसा कहने की हिम्मत नहीं कर सकते। चले जाओ तुम यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ, हाँ जाओ, चले जाओ, निकल जाओ, निकाल दो यहाँ से, बात करते हैं, निकाल दो यहाँ से, हाँ चले जाओ यहाँ से। चल नैया होले होले, कफरनहूम से निकलकर अपने देश में आया और उसके चेले उसके पीछे हो लिए। सबत के दिन वो आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत लोग सुनकर चकित हुए। इसे ये सब बातें कहां से आईं? ये कौन सा ज्ञान है जो इसको दिया गया है और कैसे सामर्थ्य के काम इसके द्वारा होते हैं? क्या ये वही बढ़ई नहीं है? क्या ये मरियम का पुत्र नहीं है? क्या ये याकूब, यूसुफ और यहूदा
और शिमोन का बड़ा भाई नहीं है? क्या उसकी बहनें यहां हमारे बीच नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। भविष्यवक्ता अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। और वो वहां कोई सामर्थ्य का काम ना कर सका, केवल थोड़े बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया और उसने उनके अविश्वास पर आश्चर्य किया। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों की नाई जिनका कोई रखवाला ना था, व्याकुल और भटके हुए से थे। ये शुभ समाचार देने का काम मछली पकड़ने से ज्यादा कठिन है। हाँ, और ये ज्यादा थकान देने वाला भी है। तुम ठीक कहते हो, परंतु हर नगर और हर गांव के लोग जहां से भी हम गुजरते हैं अब यीशु पर और उसके सुसमाचारों के संदेश पर विश्वास करने लगे हैं। हाँ, केवल कठोर दिल वाले लोग ही इनकार कर रहे हैं। इतने आश्चर्य कम देखने के बाद भी, जो कि सिर्फ परमेश्वर की सामर्थ्य द्वारा ही संभव है। हाँ, मगर फिर भी अब तक बहुत से लोग हैं जो यीशु के पास नहीं आए और उन्हें इस शुभ समाचार की बहुत आवश्यकता है। हाँ, जो अब तक अंधियारे में हैं, उन्हें सच्चाई के संस्कारों की आवश्यकता है, ताकि वे भी अपना मन फिराए और परमेश्वर के राज में शामिल हो। तुम सच कह रहे हो। पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। हे प्रभु, हमें सामर्थ्य दे और अपने पके हुए खेतों में काम करने के लिए हमें भेज। हाँ प्रभु, हम सब बहुत हैं, इस तरह हम लोग ज्यादा से ज्यादा शहर और गांव में काम कर सकेंगे। शिमोन, अंद्रियास, याकूब, यूहन्ना, फिलिपुस, बर्तुल्मै, थोमा, मत्ती, याकूब, तद्दे, शिमोन कनानी, यहूदा। यीशु ने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। चलते चलते प्रचार कर कहो कि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुए को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंत मैद पाया है, सेंत मैद दो। अपने पटकों में न तो सोना और न रूपा न तांबा रखना। मार्ग के लिए न झोली रखो, न दो कुर्ते, न जूते और न लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका रोजा मिलना ही चाहिए। तू ही आदि, तू ही अनंत, तू ही ज्योति, तू ही जीवन, तू
ही ज्योति तू ही जीवन तू ही मृत्यु पर जयवन तू ही मृत्यु पर जयवन तू ही आदि। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है और जब तक वहां से न निकलो उसी के यहां रहो। और घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य न हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। और जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बातें न सुने उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांवों की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। देखो मैं भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, सो सांपों की नाई बुद्धिमान और कबूतरों की नाई भोले बनो। परंतु मनुष्यों से सावधान रहना क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे जिसे मेरे विषय में तुम उन्हें और अन्य जातियों के गवाही दे सकोगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तब ये चिंता ना करना कि हम कैसे बोलेंगे या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वो उस समय तुम्हें बता दिया जाएगा। बोलने वाले तुम नहीं होंगे परंतु तुम्हारा पिता का आत्मा तुम्हारे द्वारा बोल रहा होगा। भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे और लड़के वाले माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उद्धार उसी का होगा। जब वे तुम्हें एक नगर में सताए तो दूसरे को भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूं तुम इसराइल के सब नगरों में न फिर चुके होंगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं और न दास अपने स्वामी से, चेला का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों का क्या ना कहेंगे। सो उनसे मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा, न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं उसे उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे कोठे पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते उसे मत डरना। उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। क्या पैसे में दो गोरैया नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं। तुम बहुत गोरैयों से बढ़कर हो। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार कर लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने को आया हूं। मैं मिलाप कराने को नहीं पर तलवार चलवाने आया हूं, क्योंकि अब से एक घर में 5 जन आपस में विरोध रखेंगे, 3 2 से और 2 3 से। मैं तो आया हूं
कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दो। मनुष्यों के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी जानकर धर्मी को ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका तो वो उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने के लिए वहां से चला गया। पश्चाताप करो और ईश्वर की ओर अपना मन फिराओ। तुम्हारे जीवन में ईश्वर की प्रधानता हो न कि अपने पिता की। ईश्वर तुम्हारे जीवन में प्रधान हो, तुम्हारी माता नहीं। हाँ, तुम्हारे जीवन में ईश्वर प्रधान हो ना कि तुम्हारी सास। और चेलों ने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ, और बहुत तेरी दुष्ट आत्माओं को निकाला, और बहुत बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। हम तुमको सुनना पसंद करते हैं योहन्ना, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम एक सच्चे और धर्मी पुरुष हो। तुम केवल सुनने वाले ही नहीं पर करने वाले भी बनो। हेरोदेस पश्चाताप करो, पश्चाताप करो हेरोदेस, पश्चाताप करो। हम जानते हैं योहन्ना कि हमने जो कुछ भी किया है वो सही नहीं है, वो सही नहीं है, लेकिन हम उसे वापस भी नहीं भेज सकते क्योंकि बहुत देर हो गई है। अब पश्चाताप के लिए कोई विलंब नहीं होता हेरोदेस, ईश्वर से डरो, ईश्वर से। योहन्ना तुम जानते हो कि हम उसे कितना प्यार करते हैं, जानते हो तुम, और उतना ही प्यार हम अपने राज्य से भी करते हैं, अपने राज्य से भी उतना ही प्यार करते हैं, और किसी भी कीमत पर हम दोनों के साथ रहना चाहते हैं योहन्ना, साथ रहना चाहते हैं योहन्ना। देखो आज हमारा जन्मदिन है, आज अगर हम तुम्हें छोड़ दे तो क्या हो, हाँ हम तुम्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें उससे माफी मांगनी। हेरोदेस, हेरोदेस, मैं कोई दुष्ट आदमी नहीं हूं। हाँ मैं जानता हूं कि तुम परमेश्वर की ओर से भेजे हुए हो, लेकिन तुम समझते नहीं हो योहन्ना, ये राजनीति है, राजनीति। बोलो क्या हम इसे सौदा मान ले। पश्चाताप करो हेरोदेस, पश्चाताप करो, पश्चाताप, क्योंकि परमात्मा का राज्य निकट है। योहन्ना तुम इतने ढीठ क्यों हो, क्यों हो तुम इतने ढीठ? नहीं हेरोदेस, नहीं, मैं योहन्ना को किसी तरह की सहानुभूति नहीं दिखाऊंगी। मेरा खून क्रोध और बदले की ज्वाला में खौल रहा है। उसने जिस तरह से मुझसे बर्ताव किया, मैं उसे अच्छी तरह से सबक सिखाना चाहती हूं, ताकि कोई मुझ पर उंगली ना उठा सके। पर कैसे? मैं हेरोदेस का हृदय किस तरह से बदलूं? हाँ, वो बहुत अय्याश है।
जिस तरह से उसने अपने भाई की पत्नी मुझ तक को नहीं छोड़ा, तो मौका मिलने पर तो वो मेरी बेटी तक को भी नहीं छोड़ेगा। पश्चाताप करो हेरोदेस, पश्चाताप करो, पश्चाताप, पश्चाताप करो हेरोदेस, पश्चाताप करो, पश्चाताप। तुम केवल सुनने वाले ही नहीं पर करने वाले भी बनो हेरोदेस, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो हेरोदेस, पश्चाताप करो। पश्चाताप के लिए कोई विलंब नहीं होता हेरोदेस, ईश्वर से डरो, ईश्वर से पश्चाताप करो हेरोदेस, पश्चाताप करो, पश्चाताप, क्योंकि परमात्मा का राज्य निकट है। पश्चाताप करो हेरोदेस, पश्चाताप करो, पश्चाताप। शांत हो जाइए सज्जनों, शांत हो जाइए। आज राजा के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर मेरी बेटी नाच प्रस्तुत कर रही है। मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। मेरे आधे राज्य तक जो चाहो मुझसे मांग सकती हो, मैं तुम्हें दूंगा। बोलो। मैं क्या मांगू? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर। मैं चाहती हूँ कि तू अभी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर एक थाल में मंगवा दे। नहीं, 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 ऐसा नहीं हो सकता, नहीं। हे राजा, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने प्रतिज्ञा पूरी करने का वचन दिया है, और ये अतिथि लोग क्या कहेंगे? तुमने
तुमने जानबूझकर ऐसा किया है, जानबूझकर। आप भी तो उसे मारना चाहते थे लेकिन आप डरते थे। क्या आप ये नहीं देखते कि मैंने आपके लिए ये सब कितना आसान कर दिया? तुम्हारे पास पत्थर का दिल और शैतान का दिमाग है। लेकिन आपने तो मुझसे वादा किया है। हमारी आज्ञा के अनुसार कर्मचारियों को भेजकर यूहन्ना का सर हमारे पास ला जाए, तुरंत तुरंत। जी महाराज। तेरी इच्छा पूरी हो, तेरे नाम की स्तुति और महिमा हो। आमीन। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर। ये मैंने क्या होने दिया? ये लीजिए। अब बातें कर यूहन्ना, मुझे उपदेश दे। बोल, दिल को चोट पहुंचाने वाले वो शब्द अब तू शांत क्यों है? बोल। ये सुनकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले आए और उसकी लोथ को उठाकर कब्र में रखा, और देश की चौथाई के राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी। क्योंकि यीशु का नाम फैल गया था, इसलिए यह सब सुनकर हेरोदेस घबरा गया। ये व्यक्ति यीशु कौन है और उसके चेले कौन है जिसकी चर्चा हम सुन रहे हैं? कौन है वो? कोई कहता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला फिर से जी उठा है, इसीलिए उससे ये सामर्थ्य काम प्रकट होते हैं। क्या? जिस यूहन्ना का सिर मैंने कटवा दिया था वो जी उठा है? कोई कहता है ये एलिया है, परंतु कोई कहता है कि वो भविष्यवक्ता या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक के समान है। वो कहाँ है जिसके बारे में हम ये सब सुन रहे हैं? मुझे ये समाचार मिला है कि वो अपनी गलील यात्रा से लौट आया है और अब वो कफरनहूम में है। हम उस मनुष्य को देखना चाहते हैं। फिर प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ उन्होंने किया था उसको बता दिया। तुम आप किसी अलग जंगली स्थान में आकर थोड़ा विश्राम करो। प्रभु, रब्बी, प्रभु, रब्बी, प्रभु, हेरोद चौथाई ने यूहन्ना को मरवा डाला। क्या? उसने यूहन्ना का सर कटवा दिया क्योंकि यूहन्ना से हेरोदियास की बैर थी। हालत ये हो गई है क्या? हालत ये हो गई है क्या इंसान की? यहाँ
और बागियों के रास्ते में हो गया जहां इंसान के इस हाल पर यीशु रो पड़ा, यीशु रो पड़ा। प्रभु ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है, अब इसे तुम उसके पीछे हो लो। योहन्ना भी यही उपदेश देता था, जाओ और दूसरों के साथ मिल जाओ और उन्हें योहन्ना की मृत्यु के बारे में बताओ। तुम सब कहां जा रहे हो? जैसा कि हम सभी यात्रा से लौटे हैं और आराम करने जा रहे हैं, जहां पर हम जाकर भोजन कर सकें। ये लोग यहाँ से जा रहे, आओ ये बात चलकर सबको बताएं। आओ चलो चलो। गुरु और उसके 12 चेले कहाँ हैं? सुनो सुनो, प्रभु यहाँ से जा रहे। कहाँ? मैंने सुना था एक चेला कह रहा था बैठ सदा, मैं औरों को भी बताने जा रहा हूँ। चलो चलो, हम लोग चलते हैं, देखते चलो। नहीं, फिर नहीं, हम पहले से थके हुए हैं और भूखे भी हैं और ये हवा हमें थका चुकी है और अब ये बड़ी भीड़। कोई बात नहीं, संध्या को हम अच्छी तरह से भोजन कर लेंगे। ठीक है, चलो आओ चले। हाँ आओ चले। चलो फिर हम भी चले। चलो 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 चलो, चलो आओ देखे यीशु है क्या। हाँ भाई चलो देखते। अरे चलो, मैं इन्हें कहाँ बेचूंगा? सब लोग तो यीशु को देखने दौड़े चले जा रहे हैं, मैं भी वहां जाता हूँ, वहां जाकर भीड़ में अच्छी तरह से बेच सकूंगा। यीशु ने उन पर तरस खाया क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो। यह जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली और वो आनंद के साथ उनसे मिला और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा और जो चंगे होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। रब्बी, ये सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है, इन्हें विदा करके गांव के चारों ओर बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लाएं। उन्हें जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें कुछ खाने को दो। प्रभु, इन्हें तृप्त कैसे किया जाए? हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाए? यीशु ने यह बात उसे परखने के लिए कही क्योंकि वे स्वयं जानते थे कि वो क्या करने वाले हैं। 200 दीनार की रोटियां उनके लिए पूरी ना होंगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल सके। तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? जाकर देखो। रखना भरोसा यीशु पर।
अरे उधर देखो, रुको, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? ये तो सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, बस उनके लिए पूरी होंगी। आओ एक काम करते हैं, प्रभु से ही पूछते हैं। हाँ चल चल आओ भाई आओ। मैं चंगा हो गया। प्रभु यहाँ पर एक बच्चा है जिसके पास जौ की 5 रोटी और सिर्फ 2 ही मछलियां हैं, पर क्या ये सब इन सभी के लिए काफी होगा? उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। जी प्रभु। विश्वास जो मसीहा पिलाएगा, उद्धार वो ही पाएगा, उद्धार वो ही पाएगा, तन और मन के दुखों से वो, तन और मन के दुखों से वो छुटकारा पल में पाएगा, छुटकारा पल में पाएगा, विश्वास जो भी मसीहा पे। उन्हें 50-50 के झुंड करके बैठा दो। जी प्रभु। हाँ रबी। यीशु ने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया। और रोटियों को तोड़ा। मछली थी जिन्हें हजारों ने खाए, इस तरह से लोगों की यीशु ने भूख मिटाई। उसकी इच्छा पर चल के जो मांगा मिल जाए, प्रभु यीशु के चरणों में तन मन दोनों खिल जाए, तन मन दोनों खिल जाए। ये पापी मन, पापी मन, ये मेला तन शुद्ध करती प्रभु की कृपा अपार, शुद्ध करती प्रभु की कृपा अपार। नहीं रोग ऐसा जहाँ में कोई, नहीं रोग ऐसा जहाँ में कोई, ना दे सकता प्रभु जिसे चंगाई, ना दे सकता प्रभु जिसे चंगाई, ये पापी मन। क्या तुम मुझे भी ऐसा करना सिखा सकते हो, ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊं तो मैं भी ऐसा करूंगा? कई 100 लोगों ने मुझसे रोटियां ली किंतु रोटियां खत्म ही नहीं होती। हाँ, मछलियों के साथ भी ऐसा ही हुआ। हाँ। मैंने ऐसा अचंभा तो आज तक देखा ही नहीं है। ये तो आश्चर्यजनक है। यहाँ हजारों लोग हैं जो तृप्त किए जा रहे हैं। हाँ, केवल 5 रोटी और 2 मछली से अविश्वसनीय है। ये तो मूसा से भी बड़ा है। ऐसा भविष्यवक्ता तो ना पहले कभी देखा है और ना ही सुना है। मैं विश्वास करता हूँ यही मसीह है। बेशक यही है, मेरा तो विश्वास बढ़ता जा रहा है। तुम्हारी बात सही है। और हजारों लोग खाकर तृप्त हो गए। बचे हुए टुकड़ों को बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। Thank you.
प्रभु मेरे विश्वास की कमी को क्षमा करो। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तूने हमारे विश्वास को दृढ़ किया है। तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। वो हर्ष वक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय ही यही होगा। जिसके विषय में धन पुस्तकों में लिखा हुआ है कि जो आने वाला है ये सचमुच वही राजा है। हाँ चलो हम इसे अपना राजा बनाएं। हाँ चलो। खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5,000 थे। यीशु ये जानकर कि वे उसे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, तब उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया और वे उससे पहले बैतसैदा को चले जाएं जब तक कि वे लोगों को विदा करें। विश्वास जो भी मसीह पे लाएगा उद्धार वो ही पाएगा, उद्धार वो ही पाएगा, तन और मन के दुखों से वो, तन और मन के दुखों से वो छुटकारा पल में पाएगा, छुटकारा पल में पाएगा, विश्वास जो भी मसीहा पे लाएगा। मैं तो अभी आश्चर्यचकित हूँ कि 5,000 मनुष्य जिन्होंने भोजन किया। हाँ केवल 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा। ये मत भूलो कि बच्चे और स्त्रियां भी थीं। मैं नहीं समझ पाया यह सब कैसे हुआ। उसने धन्यवाद दिया तो रोटी और मछलियां बढ़ती चली गई। हाँ उसने जो भी किया पूरे अधिकार के साथ में किया। तो रात के चौथे पहर के निकट वो झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है। मेरे ख्याल से हम लोग गन्ना सरद की ओर बढ़ रहे हैं। जानता हूँ पर इस कौन इस आंधी को वश में कर सकता है। प्रभु बैतसैदा में हमारा इंतजार कर रहा होगा। यह अजीब सी बात है, मैंने इसके पहले ऐसा कभी नहीं देखा। हम हर तरीके से पतवार को खेने का संघर्ष कर रहे हैं फिर भी वो हमें दूसरी ओर ले जा रही है। सागर गहरा तुझको डराए जब हो दूर किनारा, लहरे गहरी जब घबराए पत्थरों के मझधारा, बन के साहिल बन के मंजिल पग पग पार लगाए, प्रेमा जी ले चल नैया हौले हौले, प्रेमा जी ले। भूत देखो पानी पर चल रहा है। हाँ हाँ भूत ही है, भूत ही लग रहा है। हाँ देखो तो रक्षा कर। हाँ ये कोई आश्चर्य नहीं कि हवाएं हमें बैतसैदा जाने से रोक रही हैं। क्या वो हमें मार डालेगा? मैं नहीं जानता। हे प्रभु तू कहाँ है? ढाढस बांधो। हे प्रभु क्या तू है? मैं हूं, डरो मत। नहीं ये भूत है। हे प्रभु यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चढ़कर आने की आज्ञा दे। आओ। नहीं ये भूत है भूत। देखो पतरस बच जाओ पानी में डूब जाओगे। पतरस पतरस लौटो लौटो पतरस नहीं बचाओ पतरस। मैं पानी पर चल रहा हूँ। देखो आश्चर्य
अरे तुम लोग देखो मैं पानी पर चल रहा हूँ। यही तो हम देख रहे हैं। अविश्वसनीय, मुझे तो विश्वास नहीं आ रहा है। चल रहा है अभी। पति देखो अभी हंसी है। क्या मैं सुन तो क्या रहा हूँ? अरे मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। चमत्कार है बिल्कुल। रब्बी रब्बी मैंने उससे कहा था ये प्रभु नहीं है, पर उसने मेरी नहीं सुनी। मैं सोचता हूँ कि वो भूत है, नहीं तो पतरस को जरूर बचाता। प्रभु मुझे बचाओ, प्रभु मुझे बचाओ, प्रभु मुझे बचाओ, मुझे बचाओ प्रभु। तेरी जय हो प्रभु, तूने मुझे बचा लिया प्रभु। प्रभु ने मुझे बचा लिया। पतरस को बचा लिया प्रभु। तेरी जय हो प्रभु। विश्वासी तूने क्यों संदेह किया? वे पूर्ण रूप से आश्चर्यचकित थे क्योंकि वे रोटी के बारे में समझ नहीं पा रहे थे। उनके हृदय पत्थर के जैसे हो गए थे। हे प्रभु, सचमुच में तू परमेश्वर का पुत्र है। गहरा रे सागर, लहरों की हलचल, पग पग पर हिचकोले खाए, तक न भरोसा यीशु पर हो। रे माझी ले चल, नैया हौले हौले रे माझी ले चल, नैया हौले हौले भैया हो भैया हो। देखो प्रभु। हाँ ये तो वही है। चलो सबको बता देते हैं। हाँ चलो। वे लोग आसपास के सारे देश में दौड़े और बीमारों को खाटों पर डालकर जहाँ जहाँ समाचार पाया कि वो है वहाँ वहाँ बीमारों को लिए फिरे, और जहाँ कहीं वो गांवों, नगरों या बस्तियों में जाता था तो लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वो उन्हें अपने वस्त्र के आंचल को ही छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे वो सब चंगे हो जाते थे। ये सब उस समय हुआ जब वे सब कफरनहूम के रास्ते पर थे, परंतु दूसरे तट पर जिनको यीशु ने छोड़ा था वे गफलत में थे। दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी ये देखा कि यहाँ केवल एक नाव थी और यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर नहीं चढ़े, केवल उनके चेले चले गए थे। तब दूसरी नावें तिबिरियास से उस जगह के निकट आईं जहाँ उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। जब भीड़ ने देखा कि यहाँ ना यीशु हैं और न उनके चेले, तो वे भी छोटी छोटी नावों पर चढ़कर यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुंचे। झील के उस पार पहुंचकर उन्होंने यीशु से कहा, हे रब्बी तू कब आया? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने अचंभित काम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। हमें ऐसा भोजन कहां मिलेगा
मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। मैं विश्वास करता हूं कि तू ही मनुष्य का पुत्र है। तू ऐसा कौन सा चिन्ह दिखाता है जिसे देखकर सारे तेरी प्रतीति करें? तू क्या करेगा? हमारे पूर्वजों ने निर्जन प्रदेश में मन्ना खाया है, जैसा कि धर्मशास्त्र में लिखा है कि उन्होंने उसे स्वर्ग से खाने के लिए रोटियां दी। मैं तुमसे सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से नहीं दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। जीवन की रोटी मैं हूं। हां, मैं विश्वास करता हूं जो तू कहता है। जो मेरे पास आएगा वह कभी भी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी भी प्यासा ना होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा कि तुमने मुझे देख भी लिया परंतु विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। इच्छा क्या है? इच्छा क्या है? हाँ, इच्छा क्या है? और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया, इसका मतलब क्या है? क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और विश्वास करे वह अनंत जीवन पाएगा, और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा। गुनहगार यीशु तुझे बुला रहा है, गुमराह क्यों तू भटके? यीशु तुझे बुला रहा है, आ गुनहगार आ, यीशु तुझे बुला रहा है। वह ऐसे कैसे कह सकता है कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो मैं हूं? क्या ये यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं? मगर वो ये ऐसे कैसे कह सकता है कि वो स्वर्ग से उतरा है? हाँ, आपस में मत कुड़कुड़ाओ। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक मेरा पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसको अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, वह फिर जी उठेगा। वो मनुष्य है, मेरी समझ में नहीं आता वो यह कैसे कह सकता है कि लोग अपनी इच्छा अनुसार नहीं आते, परंतु वो जो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया है। उसने आश्चर्य कर्म किए हैं जो किसी व्यक्ति या नबी ने नहीं किए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अधिकार के साथ दावा करे कि मैं अंतिम दिनों में मनुष्य को फिर से जीवित करूंगा, क्योंकि यह अधिकार सिर्फ परमेश्वर का है। चलो हम चलकर सुनते हैं, वो उपदेश दे रहा है। हाँ। ताकि हम उसकी सूचना सभा में दे सकें। हाँ, चलो चलो। भाइयों,
भविष्यवक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। किसी ने पिता को नहीं देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूं। वो इस बात पर जोर क्यों देता है कि जीवन की रोटी वही है? और ये कैसे हो सकता है कि जो उस पर विश्वास करेगा अनंत जीवन पाएगा? तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरती है मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। ये मनुष्य क्यों कर हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? यहां तक कि शास्त्र में मनुष्य का मांस खाने की आज्ञा नहीं देते। मैं उसके उपदेश और आश्चर्य कर्म को प्यार करता हूं, पर क्या कोई इन उपदेशों को ग्रहण करेगा? हां, या तो वो सच्चा है और हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं, या वे फरीजी और शास्त्री सच्चे हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओगे और उसका लहू न पियोगे तुम्हें जीवन नहीं आएगा। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन उसे फिर जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। पर ऐसा कैसे हो सकता है रब्बी? हां रब्बी, पर ऐसे कैसे हो सकता है? शायद वो ठीक कह रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, पर रब्बी ऐसा कैसे हो सकता है? जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा है और मैं पिता के कारण जीवित रहूं, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी वह यही है। बाप दादाओं के समान नहीं कि खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। यह बात नागवार है, इसे कोई कैसे सह सकता है? यह बात नागवार है, इसे कोई कैसे मान सकता है? क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? और यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वह पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वही आत्मा है और जीवन भी है। परंतु तुम में से कितने ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते? इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाएगा तब तक वो मेरे पास नहीं आ सकता। क्योंकि यीशु तो पहले से ही जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वो कौन है और कौन उसे पकड़वाएगा।
मैं इस शिक्षा को नहीं मानता। मैं भी नहीं। विश्वास जो भी मसीहा पे लाएगा, विश्वास जो भी मसीहा पे लाएगा, उद्धार वो ही पाएगा, उद्धार वो ही पाएगा। इस पर उसके चेलों में से बहुतेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? नहीं नहीं प्रभु, नहीं नहीं प्रभु, हम नहीं जाना चाहते प्रभु। हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? तुम्हारे पास अनंत जीवन का वचन है। हाँ रब्बी, हम नहीं जाना चाहते। हाँ 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 प्रभु, हम नहीं जाना चाहते। हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का सच्चा पुत्र तू ही है। क्या मैंने तुम बारों को नहीं चुन लिया? हाँ प्रभु। तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। शैतान? शैतान? हम में से शैतान? शैतान? शैतान और हम लोग? हम में से? हम में से? शैतान? नहीं नहीं। कौन है शैतान? कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? शैतान कौन हो सकता है? ये उसने शिमोन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा, क्योंकि यही जो उन बारों में से था उसे पकड़वाने को था। इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे। उसे ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? उसे मार डालना चाहिए। हाँ, इससे पहले कि वो इन उपदेशों को हर जगह फैला दे। हाँ ठीक कह रहे हो, लेकिन वो है कहाँ? मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे भी। मुझे दो मछलियां देना, मुझे बहुत भूख लगी है। और मुझे दो रोटी देना। चलिए चलिए प्रभु, आइए, आप भी आइए। फरीसी और सब यहूदी धर्म वृद्धों की नीति पर चलते हैं, और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते, और बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते। और भी बहुत सी बातें हैं जिनका वे पालन करते हैं, जैसे कटोरों और लोटों और तांबे के बर्तनों को मांजना, धोना आदि। रब्बी, क्या धर्मशास्त्र ये नहीं कहता कि हमें अपने माता और पिता का आदर करना चाहिए? हाँ, ऐसा लिखा है। तब ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे पुत्र की कमाई जो इसके माता पिता के लिए है, वो ईश्वर को कैसे समर्पित कर दे? परंतु मैं कुर्बान वचन रख रहा हूँ। तुम्हारा बेटा सच कह रहा है, क्योंकि यहोवा ने ये आज्ञा दी है कि जब कोई पुरुष यहोवा की मन्नत माने व अपने आप को वाचा से बांधे, शपथ खाए, वो अपना वचन न टाले, जो कुछ उसके मुंह से निकला है उसके अनुसार वो करे। एक बेटे का कुर्बान वचन अपने माता पिता के प्रति ईमानदार रहने की जिम्मेदारी है, जिनका की कुल वर्णन धर्म पुस्तकों में भी किया गया है। उसे अपने कुर्बान वचन के प्रति वफादार रहना चाहिए। तभी तेरे चेले क्यों पुरानी रीति पर नहीं चलते और अब बिना हाथ धोए रोटी खाते? यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की है। जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। और क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीति को मानते हो। परंतु हम उन आज्ञाओं को मानते रहे जो हमारे बाप दादों ने सिखाया था। तुम अपनी रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो, क्योंकि मूसा ने कहा है कि अपने पिता और अपनी माता का आदर करो
और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे तो वह अवश्य मार डाला जाएगा। परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे कि जो कुछ मुझे तुझसे लाभ पहुंच सकता है वह कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका है, तो तुम उसको उसके पिता या उसकी माता की कुछ सेवा करने नहीं देते। सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। इस प्रकार तुम अपनी रीतियों से जिन्हें तुम्हें ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। क्या तू जानता है फरीसियों ने यही वचन सुनकर ठोकर खाई? हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। गुनहगार यीशु तुझे बुला रहा है, गुमराह क्यों तू भटके, यीशु तुझे बुला रहा है, आ गुनहगार आ। प्रभु ये दृष्टांत हमें समझा दें। क्या तुम भी अब तक ना समझ हो? क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में पड़ता है और संडास में निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परिस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, चिंता, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें हैं, भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। यीशु वहां से उठकर सूर और सैदा के देशों में चला गया। बस बस संभाल के मेरे बच्चे।